नमस्कार, मैं सरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की वजह से 127 लोग अभी तक दम तोड़ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक 36,771 लोगों की जांच की गई है और 208 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। विभाग के मुताबिक राज्य में 38,800 लोगों को घर में आइसोलेट कर रखा गया है, जबकि 4,964 को सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। ये तो देश की हालात है जो आपके सामने है। और लॉकडाउन की सीमा 30 अप्रैल तक फिलहाल बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बीच आम जनता को, गरीब मजदूर को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये हम और आप इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। इस लॉकडाउन का देश का हर आदमी सरकार का समर्थन किया है, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच जो दिक्कतें आ रही हैं, सरकार उन तक नहीं पहुंच पा रही है। पिछले 3 दिन से बैंक बंद है और एटीएम भी चालू नहीं है। जिस मजदूर की कमाई हुई पूंजी बैंक में है, वो नहीं निकाल पा रहा है, वो दर बदर भटक रहा है। और जिनके पास बैंक में भी नहीं है पैसा और घर में भी नहीं है, उसके सामने तो दुखों का पहाड़ खड़ा हो गया है। हम आपको आज मुमरा कौसा के सभी बैंकों का तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखें किस तरह से बैंक तो बैंक एटीएम भी बंद है। किसी एटीएम में पैसा नहीं है और लॉकडाउन होने की वजह से लोग पैसे नहीं तो खरीदेंगे क्या और खाएंगे क्या? कम से कम एटीएम की सहूलत तो दो पैसा देने की, तो क्या करेगी पब्लिक? रोड पे आएंगे तो पुलिस वाले बांटे, घर से उतर तो घर वाले डांटते, बच्चे भूखे, कुछ तो सीखिए बच्चों की नहीं है। चलो तो मेरे नहीं, नहीं बहुत से लोग ऐसे जो खड़े भटक रहे, पैसे भी नहीं है, लोगों के पास खुद के पैसे होकर निकल नहीं रहे और गवर्नमेंट बोल रही पैसा देंगे। अरे अपने पैसा हमको मिल जाए यार, गवर्नमेंट की बात तो बहुत दूर की बात है। तो आपने देखा, मुमरा के कई बैंक हैं, कई एटीएम हैं, किसी में भी पैसा नहीं है। लोग परेशान हैं, नर्वस होकर घर लौट रहे हैं। इसके लिए भी उन जिम्मेदारों को सोचने की जरूरत है। एक तरफ जहां सरकार के आदेश का लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन वही एटीएम में पैसा न होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, मुमरा कौसा में 14 लाख की आबादी है और इस बीच सरकार बार बार ऐलान कर रही है इस लॉकडाउन के दौरान जरूरत की सामानें मिलेंगी, लेकिन राशन की दुकान का मुमरा कौसा में कोई टाइम टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है। और इसी बीच एटीएम भी जो है वो बंद है और लोगों को पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं लोग, और जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। दुकानदारों को भी नहीं पता है उन्हें दुकान कब खोलना है, कब बंद करना है। या मैं राशन की दुकान की बात कर रहा हूँ, और ठीक वैसे ही ग्राहक को भी पता नहीं है कब राशन कहाँ से मिलेगा। अभी पिछले 2 दिन से राशन के दुकानदारों ने प्रहार टाइम से शिकायत कर रहे हैं, पूरे देश में लॉकडाउन है, पूरे देश में डिसिप्लिन है, ज़रूरत की सामान के लिए टाइम टेबल है। यहाँ पर यानी मुमरा में मेडिकल और दूध की दुकानों के अलावा राशन की दुकान का कोई टाइम टेबल नहीं है। इस पर भी सरकार को, प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से लोगों को ज़रूरत है पैसे की, जो कमाई हुई पूंजी एटीएम में है और इस दौरान वो निकालना चाहते हैं, वो निकाल नहीं पा रहे हैं। लंबी लंबी लाइन तो पहले से दिखती है, लाइन लगी हुई है, लेकिन उस बीच लाइन लगाने के बाद भी पैसे ख़त्म हो जाते हैं नंबर आते ही। तो बहरहाल ये मुमरा कौसा में जिस तरह से एटीएम का मामला चल रहा है, कई लोग सुबह से संपर्क कर रहे हैं कि बैंकों में पैसा नहीं है, किसी एक बैंक में नहीं है, लेकिन यहाँ तो सभी बैंकों में पैसा ही नहीं है। इसकी वजह बता रहे हैं कि जो है सर्वर डाउन है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को चाहिए इस पर नज़र रखें। आखिर क्या वजह है जो मुमरा कौसा में जो इतनी सारी बैंक है, एटीएम है, उनमें पैसे नहीं है, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।